हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, वीडियो नंबर थर्ड है। और जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर एम्स की तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए, तो आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, प्रीवियस वीडियो टोटल रिवाइज करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आ जाएगा, तो जून में आपका एम्स का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है और अटल बिहारी के थ्रू जो यूपी में ऑल पूरे आपके जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन कराती है, एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अटल बिहारी के थ्रू होता है। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और ये देख लीजिए ये कितने सिटी हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सब पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाती है हर एक वीडियो में। और लास्ट में अभी मैं एक क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करा दूंगा, उसका आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। और उसकी एक वीडियो की जो मैंने बताया है कि लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी वीडियो को रिवाइज करना है और डेली के डेली टारगेट आपको फिनिश करने हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। और स्टूडेंट जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दें और बुक्स भी ज़रूर परचेज करें। बुक्स आपकी रेनबो पब्लिकेशन की एक ले लीजिए, एक आप ल्यूसेंट जनरल साइंस की, एक ल्यूसेंट जीके की ले लीजिए। इतनी पूरी तीन बुक आपके पास तो कंपलसरी होनी चाहिए। आपको बुक्स अगर लेना है तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लिंक मैं शायद प्रोवाइड किया हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दिया हूँ। अब ये देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे देना है एंट्रेंस एग्ज़ाम तो सिलेबस आपको पता है कि सिलेबस क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो कोई आपका 12th स्टैंडर्ड बेस पे होता है, तो आप 11th क्लास एंड 12th क्लास दोनों आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। जो बुक मैं बता दे रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिए और मैं इतना करा ही दूंगा अपने चैनल पर कि 100% सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन आपको वही है, जितना बताया जा रहा है उतना करते रहिए। काफ़ी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कब से तैयारी करें और कहाँ से करें, भाई कहाँ से मत करिए, यहीं से कर लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। बस आपका काम होना चाहिए, सिलेक्शन आपका होना चाहिए, बस यही है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक दिखा देता हूँ कि आपका क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आपको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसका ये क्वेश्चन है, फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है कि जो वर्क होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, या फिर एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री है, या एम एल टी के पावर थ्री है, या फिर एम एल माइनस वन टी के पावर माइनस टू। इसमें वर्क का फार्मूला आपको निकालना है, तो वर्क का पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। एफ एस कॉस थीटा होता है, तो फोर्स का आपको डायमेंशनल पता होगा, फिर उसके बाद आपका डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का अगर डायमेंशन पता होगा तो आप इसका टोटल करके निकाल पाएंगे वर्क का। तो वर्क का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है, और अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। और वीडियो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर है और एक सिग्निफिकेंट के ऊपर है, तो लगभग तीन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और लिंक देखिए, अब वीडियो की मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि अब काफ़ी स्टूडेंट, पता नहीं कौन से स्टूडेंट हैं कि जो कोई वीडियो देख भी रहे हैं और उस पर यार वीडियो में तीन वीडियो मान लीजिए लिंक प्रोवाइड कर दिया, अब उस वीडियो में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें ना, तभी तो आइडिया लगेगा कि आप वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, मेरे चैनल पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फिश भाई, मेरे चैनल पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फिश, अगर मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाए फिर और कुछ भी हो, तो आप मेरे चैनल के थ्रू ना ही तैयारी करें तभी बेस्ट है, क्योंकि सेल्फिश यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि फ्री में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो सेल्फिश वाला काम नहीं चलेगा। हर वीडियो में जो वीडियो देखिए उस वीडियो में कमेंट करिए भाई, कि मुझे आइडिया लगेगा ना कि वीडियो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और वीडियो काफ़ी लोग डाउनलोड कर लेंगे तो कमेंट कैसे करेंगे, पता नहीं क्या चीज़ें हैं यार जो चीज़। इसीलिए तो एजुकेशन चैनल ग्रो नहीं होता है, एजुकेशन कोई चीज़ फ्री में कोई एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं चाहता फ्री में, क्यों नहीं, इसीलिए तो सभी ऐप अपना डाउनलोड करवाते हैं ना और वहाँ पे परचेज करके पढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोगों की वजह से। और टिकटॉक वीडियो अगर फालतू की वीडियो पे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे देखेंगे, अभी देख लीजिए आप खुद जाके देखिए ना, करोड़ों व्यूज मिलियन व्यूज रहते हैं और उस पर कमेंट भर भर के रहते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन चैनल आ गया तो वहीं पे सभी स्टूडेंट की, अब ये समझिए कि पता नहीं क्या चीज़ ईगो आ जाता है बीच में, भाई वीडियो देखिए कमेंट करिए यार वीडियो में, तभी तो मुझे आइडिया लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट तो अच्छे भी हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट जो सेल्फिश हैं वो कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के बजाय, तो
अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सेल्फिश स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, जो खुद अपना सोचता हो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि चैनल है भाई, फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आपको कमेंट करना, लाइक करना इतना तो कर ही सकते हैं ना, फ्री में चीज़ें जो मिल रही हैं। चलिए चैनल पे चलिए, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ और चीज़ें आपको बता ही देता हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। ये आप यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, सीट इन नीट चैनल। जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको ये देखिए मेरे चैनल का, आपको ये दिख जाएगा, यही लोगो, ये इसी लोगो पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मेरे चैनल पे कवर फ़ोटो पे जाएंगे। ये देखिए मेरे चैनल का कवर फ़ोटो है, यहाँ पे 15 मतलब 50,000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, 1500 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। देख रहे हैं वीडियो की क्वांटिटी और क्वालिटी देखिए ना कितनी है, 1500 वीडियो है, 1500 पे 50,000 ओनली सब्सक्राइबर हैं अभी तक। 1500 वीडियो अगर ऐसे फालतू की वीडियो कोई डालता है ना, तो उस पर मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप देखिए यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो आपको रिवाइज करनी है। और डेली का मैं टारगेट प्रोवाइड करता हूँ, कुछ वीडियो की लिंक प्रोवाइड करता हूँ, उतनी ही वीडियो आप लोग डेली के डेली देखिए, और समय मिलता है तो और वीडियो आप रिवाइज कर सकते हैं। अन्यथा आप जो बुक्स मैं बता दे रहा हूँ उस बुक्स को आप परचेज कर लीजिए बीएससी नर्सिंग के लिए, और आप एम्स और अटल बिहारी के थ्रू आप बुक्स से भी पढ़ते रहें। बुक्स भी आपको पढ़ना है जो समय मिले, लगभग ये समझिए अभी आप 6 से 8 घंटे, आप 24 घंटे में आपको पढ़ना है। कितने पढ़ना है, 24 घंटे में 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस भी जल्दी है और समय थोड़ा कम है। तो समय लगता है ज़्यादा है, लेकिन समय ज़्यादा है नहीं। लेकिन देखिए प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आपको रिवाइज करनी है, तो प्लेलिस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड किया हूँ सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो मैं इसी में से डायमेंशन और फिजिक्स का डायमेंशनल है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिला के सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं 3 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जाके वीडियो को रिवाइज करें। समय बचता है तो बुक्स रिवाइज करें, बुक्स थ्योरी पढ़ें, और चीज़ें आपको सभी चीज़ें कराई जाएंगी। जो थ्योरी भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कराए गए हैं चैनल पे, जितनी भी थ्योरी बचेंगी चैप्टर को वो लास्ट में मैं कराऊंगा। तो आप ये मत सोचें कि सिर्फ प्रीवियस वीडियो ही कराएंगे, नए वीडियो कराएंगे। प्रीवियस वीडियो इसीलिए कराए जा रहे हैं कि 750 वीडियो अगर रिवाइज कर लिए तो जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप सभी क्वेश्चन आप एग्जैक्ट अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स को लगभग 3 से 4 घंटे डेली नोट्स रिवाइज करिए। नोट्स भी रिवाइज करने हैं, जो नोट्स आप बनाए होंगे वो लगभग 2 घंटे आप समय निकाल के 2 घंटे आप नोट्स को रिवाइज करने, लिखने से फ़ायदा नहीं होता, वो चीज़ें दिमाग में लिखी होनी चाहिए, ये आप लिख लीजिए। वो जो चीज़ आप नोट्स बनाए होंगे उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज करेंगे याद रहेगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वो तो नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए डेली के डेली। थैंक यू।